नमस्कार, मैं संदीप भारती आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल JBC7 पर। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के एक छोटे से गांव ठुइया में, जहां पर एक आयोजन किया जा रहा है। इसी आयोजन के हम पता करते हैं कि क्या आयोजन यहां पर किया जा रहा है। चौधरी पृथ्वी सिंह जी जाने की पुण्यतिथि में तीसरा विशाल शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो चौधरी पृथ्वी सिंह जी वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है, और कुछ समय पहले हमने देखा था कि छोटी छोटी बच्चियों को कुछ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था, तो उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे यहाँ के जो युवा हैं उनसे कि आज क्या आयोजन है और किस बारे में वो आज इतना बड़ा जन समूह यहाँ आ गया है। नमस्ते जी। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल को देखने वाले को सबसे पहले सभी को धन्यवाद जी भी। आप हमारे छोटी सी आवाज़ को दूर दूर तक पुकाने के लिए आप हमारा अपना कीमती टाइम देकर हमारे बीच पहुंचे, और हम आगे भी आपको हमेशा जब भी कोई आयोजन होगा आपको यहाँ पर ज़रूर बुलाएंगे, और आशा करते हैं भी आप हमारी आवाज़ अपने आस पास के 10-15 गाँव में ज़रूर पहुँचाएं जी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आप यहाँ क्या दायित्व निभाते हैं। मैं जी श्रवण कसवा ठुइया गांव है जी, भट्टू ब्लॉक का, और हम एक ट्रस्ट के द्वारा जुड़े हुए सदस्य है जी। उस ट्रस्ट का मेन मोटिव है भी स्पोर्ट्स को आगे ले जाना किसी तरह से, मतलब क्योंकि स्पोर्ट्स अपने भट्टू ब्लॉक में तो बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर जा चुका है। इस ट्रस्ट का मोटिव स्पेशल केवल स्पोर्ट्स है जी, स्पोर्ट्स को अपने आसपास के 10-15 गांव में ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जी, ताकि बच्चे नशे से दूर रह सके। नशे के अंधकार में खेल रूपी ज्योति जलाकर ये युवाओं को एक अलग ही दिशा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। तो आज जो छोटी छोटी बच्चियों को सम्मानित किया गया है वो किस लेवल पे सम्मानित किया गया, उनका क्या उपलब्धि थी? सबसे पहले बता देते हैं जी, हमारे गाँव में डीपी की कमी है जी। पिछले 3-4 वर्षों से गांव स्कूल के अंदर टीचर नहीं है बच्चों खिलाने के लिए। तब हमने एक मुहिम शुरू की थी भी बच्चों को नशे से दूर रखना है तो ग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा, तो ग्राउंड से जोड़ने के लिए हमने छोटे छोटे इवेंट्स शुरू कर दिए। फिर हमें गांव के युवाओं ने साथ दिया, उन्होंने खुद कोच की भूमिका निभाकर गाँव की लड़कियों को, खास तौर पर लड़कियों को ग्राउंड के अंदर जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है जी। तो उन्होंने अपनी लेवल पर खो खो में नेशनल तक लड़कियों को पहुँचा चुके हैं जी, और साथ में रेस के अंदर भी कुछ एक लड़कियां नेशनल तक पहुंच चुकी है हमारे गांव की। तो उन भाइयों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं भी जो हमारे एनी टाइम हमारे साथ रहते हैं। मनजीत बैनीवाल जी, साथ में संदीप बैनीवाल, प्रदीप जैनी, प्रदीप शर्मा, नरेंद्र प्रेमी जी है जो योगा बहुत अच्छे करवाते हैं, और भी बहुत युवा साथी है हमें बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं जी हमेशा ही। वो आपने बच्चों के बारे में बताया, तो कितने बच्चों यहाँ आपके ग्राउंड में आते हैं और उनका क्या शेड्यूल रहता है, क्या उनको करवाते हो, कैसे उनकी तैयारी होती है? अगर डीपी आपके पास नहीं है तो आप किस लेवल पे उनको, जैसे अभी आपने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे वो खेल के आए हैं, तो कैसे उनको तैयार करने में कितनी कठिनाई को आपको सामना करना पड़ता है? कितने बच्चे आपके ग्राउंड में मिलते हैं? हमारे ग्राउंड में जी सबसे पहले बता देता हूँ जी, 150 बच्चे शाम को 4:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक 2 घंटा डेली 150 बच्चे पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, और साथ में उनके पेरेंट्स को भी योगदान बहुत बड़ा है जो गाँव में डीपी ना होने के बावजूद भी लड़कियों को ग्राउंड में भेज रहे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ में अपने आसपास के 10 गांवों को मैं एक छोटा सा मैसेज भेजना चाहता हूं, ताकि हर गांव में ग्राउंड हरा भरा रहे और बच्चे ग्राउंड से जुड़े। सबसे पहले तो मेरा ये सबसे बड़ा मैसेज है भी हर ग्राउंड में 2 घंटे के लिए मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ताकि ग्राउंड में मोबाइल होगा तो बच्चों का ध्यान खेल की तरफ ना मोबाइल की तरफ रहेगा, और खेल एक शारीरिक बढ़ावा देने के लिए होता है, तो मानसिक बढ़ावा तो घर पर रहता ही है जी, एनी टाइम मोबाइल रहता है वहाँ पर। तो जितने भी पास में ग्राउंड है, जो मैनेजमेंट कर रही है ग्राउंड की, उनसे अनुरोध है भी अपना ग्राउंड सबसे पहले सफाई रखें, साधन का अंदर इन्वॉल्व ना होने दें, और साथ में मोबाइल का तो मैं बार बार कह रहा हूँ जी, मोबाइल को 2 घंटे के लिए बिल्कुल ही बंद कर दें जी। बहुत अच्छी सोच के धनी है, और इन्होंने बताया कि जो मोबाइल की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो युवाओं को खा रही है, उसे छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने ये इतना अच्छा आयोजन करवाया है, और डेली 150 बच्चों के आसपास ग्राउंड में आते हैं। तो हमारे साथ समाज सेवी कमल बिसला जी हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। तो कमल जी बताइए कि ग्रामवासियों का इसमें कितना सहयोग रहता है? सबसे पहले तो आप सभी को राम राम, आपके चैनल के दर्शकों को, गाँववासियों का जी इतना ज़्यादा सहयोग है कि एक क्लब हमारे गांव में समाज सेवी रहे श्री पृथ्वी सिंह जैनी की याद में बनाया गया, परंतु इसमें पूरे गांव राम का सहयोग है, हर व्यक्ति अपने जो इच्छा सर उसमें दान भी करता है, और गांव में बच्चों को खिलाने में भी सहयोग करते हैं, और बुजुर्ग यहां पर देख रेख भी करते हैं। तो गाँववासियों का सभी का साझा सहयोग, और उसकी बदौलत ही आज तीसरा वर्ष है शूटिंग की टूर्नामेंट कराई जा रही है इतनी बड़ी,
जिसमें लगभग 30-35 गाँव की टीमों ने भाग लिया है और गांव की लड़कियों ने 2-2.5 साल से जो नौजवान साथियों ने ट्रस्ट के साथियों ने मेहनत से उनको खो खो के अंदर रेस के अंदर आगे बढ़ाया, उससे लड़कियां स्टेट में टूर्नामेंट में जीती हैं, अंडर 11 तो हरियाणा जीती है और एक लड़की 400 मीटर में पूरे स्टेट में 4th नंबर पर रही और अनेक लड़कियां स्टेट लेवल पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उन्होंने पदक हासिल किए, उसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। 3-4 लड़कियों को 30-30 हज़ार रुपये मिलेंगे और कुछ लड़कियों को 18 हज़ार रुपये भी मिलेंगे। तो ये सभी की लगन और प्रयास से ये ट्रस्ट आज इस मुकाम पर पहुंचा है और आज इतने बड़े सहयोग में सबसे बड़ा सहयोग गांव राम का है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि एक ये बताया कि जैसे आप ये ग्राम स्तर पे अपना कर रहे हो और बच्चों को 4-5 बच्चे जो नेशनल खेल के भी आए हैं, अगर आपको सरकार की किन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, अगर मूलभूत सुविधाएं आपके पास है नहीं तो सरकार से आप अपना क्या उनको बताना चाहते हो कि क्या उनको आप सुविधाएं अगर बच्चों को प्रदान की जाए तो आप इस जो बच्चे 4-5 है इनकी संख्या बढ़ा के गाँव वासियों को अलग ही कुछ मुकाम पे इस गांव का नाम आप ज़िले में चमकाएं, तो उसके लिए सरकार से क्या गुजारिश करोगे आप? हमारी तो सभी की गुजारिश है जी, लंबे समय से DSO साहब को भी हमने दिया था पीछे भी, हमें कोच की आवश्यकता है, कोच दिया जाए हमें, एथलेटिक्स का कोच हो जो सभी बच्चों को खिला सके, सरकारी कोच हो, एक तो उसकी व्यवस्था हो, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं उनकी डाइट के रुपए आए, उन्हें खाने पीने के रुपए दिए जाएं सरकार की तरफ से, जिससे कि हमारे गांव का नहीं इलाके के बच्चे भी आके यहां पर तैयारी कर सकें और गांव और इलाके का नाम रोशन हो, प्रदेश का नाम रोशन हो। हमारी तो मांग है कि एक कोच की व्यवस्था की जाए और बच्चों का खर्चा दिया जाए और उन्हें समय समय पर पुरस्कार दिए जाएँ जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़े। मुख्य रूप से हमने देखा है कि ग्राउंड आपका बहुत अच्छा है लेकिन इसमें भवन वगैरह का मेरे को दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ जैसे सरवण जी ने बताया कि लड़कियाँ विशेष कराती है तो उनके लिए कोई भवन का कुछ इनका पवेलियन वगैरह बनाया जाए तो ऐसा कुछ भी? हमारी तो मांग हमने पहले भी की थी भी ग्राउंड की गौर की जाए, इसमें कमरे बनाए जाएं जिसमें बच्चे अपने कपड़े बदल सकें, एक जिम की व्यवस्था बनाई जाए जो जिम लगा सकें और लड़कियों के लिए एक अलग कमरा बनाया जाए, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था हो, ये चीज़ें ग्राउंड की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं ये होनी सबसे ज़रूरी है, किसी बच्चे का ग्राउंड में आने का सबसे पहला कदम ये हो उसमें मूलभूत सुविधाएं हों, ये तो हमारी मांग है भी ये चीज़ें बनाकर बढ़िया एक स्टेडियम रूप इसको दिया जाए, बाकी देख रेख तो गांव राम और हम कर लेंगे, जो सरकार से सहयोग है ये बड़ा बड़ा सहयोग, कोच की व्यवस्था हो और यहाँ पर कमरे बन जाएँ और जिम की व्यवस्था हो जाए, ये चीज़ें कर दें और डाइट के पुरस्कार के रूप में कुछ खर्चा दें तो बाकी चीज़ें गाँववासी मिलकर कर लेंगे। सुविधाओं के अभाव में भी इस गाँव ने 5-6 सितारे देश को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुख्य मेन समस्याएं क्या आती है इसमें, मुख्य जो समस्या हो आपकी जिसको आपको लग रहा है कि ये समस्या अगर दूर हो जाए तो हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं? समस्याएं जी देखो सामाजिक समस्याएं भी हैं कुछ, एक तो समस्याएं सबसे बड़ी क्या होती है, लड़कियों को समाज में हमारे समाज में एक धारणा है भी खेलने जाने कम ही देते हैं, तो बड़ी कोशिश से इन साथियों ने घर घर जाके सभी को समझाया उसके बाद में लड़कियों को यहाँ पर आने देते हैं, तो एक तो ये बड़ी समस्या थी उसका निदान तो हमने स्वयं ने किया, परंतु सबसे बड़ी समस्या तो यही है जी, जब एक तो खो खो की एथलेटिक्स की इलाके में समय समय पर टूर्नामेंट हो तो बच्चों को प्रोत्साहन मिले, सबसे बड़ी चीज़ तो कोच की व्यवस्था हो जाए, एक कोच की व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है, कोच होगा तो अनुशासन होगा और यहाँ पर सभी बच्चे तरीके से खेल सकें, तो सबसे बड़ी मांग तो कोच की मांग है, बाकी अगर सरकार सहयोग करे तो यहाँ पर भवन बन जाए बच्चों की बैठने की, यहाँ पर कपड़े बदलने की, लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएँ हो जाएँ और जिम की व्यवस्था हो, तो मेरा तो ये मानना है भी 10-12 गाँव को सहयोग होगा एक गांव में ये चीज़ हो जाए तो उससे आने वाले समय में इलाके में बड़े खिलाड़ी बनेंगे लड़कियां लड़के और इलाके का नाम रोशन करेंगे, और मैं तो सभी नौजवान साथियों से जो आपके दर्शक हैं उनसे कहना चाहता हूं कि खेल से जुड़िए, नशे से दूर रहिए और अपने आसपास में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए कि जिससे बच्चे खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि उनका दिमाग विकसित रहे, वो पढ़ाई में भी अच्छे रहें और खेलों में भी नाम कमाएं। बहुत बहुत इनके अच्छे विचार इन्होंने बताया कि नशे से दूर रखने के लिए इस गांव का प्रयास है और जब गांव की पौध अच्छी होगी तो पेड़ भी अच्छे होंगे, यही प्रयास है उनका कि आने वाले 5-10 सालों में जो युवा होंगे इनके वो नशे से दूर रहेंगे बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कमल बिसला जी समाज सेवी और श्रवण जी, और एक अच्छा जी खेल मंत्रालय से एक चीज़ आती है जी, जो ऊपर से स्कीमें आती है वो एक लेवल तक पहुंच नहीं पाती गांव स्तरीय, और साथ में हमारे भट्टू ब्लॉक में केवल एक नर्सरी पास है जी, वो भी बालीवाल की है जो BPS स्कूल चला रहा है जी, तो हम यही चाहते हैं भी एक नर्सरी और हमारे एरिया को दी जाए ताकि चाहे वो खो खो की हो एथलेटिक्स की हो कौन सी हो ताकि उसके साथ बच्चे जुड़े, क्यों हमारे गाँव में 150 बच्चे आए हुए हैं, हम सभी से आसपास के एरिया से भी नौजवानों से मांग करते हैं भी एक नर्सरी अपने एरिया में लेकर आओ।
ताकि इनसे बच्चों का मनोबल बढ़े और साथ में हौसला खिलाने वालों को भी हो। जी जो अधिकारी ये हमारा वीडियो देख रहा है वो एक बार इस ग्राउंड में सुबह कितने बजे शाम को चार बजे एक बार यहाँ विजिट जरूर करें ताकि उनको पता चल जाए कि धरातल पे काम क्या होता है और कागज़ों में काम क्या होता है। जहाँ कागज़ों में काम हो रहा है वहाँ सुविधाएं प्रदान की जा रही है और जहाँ खून पसीना बहाया जा रहा है वहाँ सुविधाओं से वंचित रख के इन प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। तो सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार इन बच्चों को जरूर मिलके जरूर जाएं। सुविधाएं वो कितना प्रदान करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक बार अनुरोध है उनसे कि एक बार शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ कम से कम 150 से 200 बच्चे अभ्यास करते हैं, उनका अभ्यास आप ज़रूर देखें और इनकी सुविधाएं देखें कि क्या इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद कोई बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सकता है। और इस गाँव का सौभाग्य ये रहा है कि आज इसमें कम से कम 5 छोटी छोटी बच्चियों ने खो खो की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है और 400 मीटर की में भी मेडल लेके आई है। तो हम इन सितारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये अपने गांव का नाम एक जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।